आपने पलट के जवाब नहीं दिया। जी, मेरा नाम रेणुका है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जी सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने के वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालदेन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म, इस्लाम और हिंदू धर्म में इंसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफ़ा दे, आप उस DVD को देखिए और वो DVD का मुताला करने के बाद आपके वालदेन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यक्सा है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालदेन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, जो कुरान
और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालदेन आपसे करते हैं, आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की, अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़ जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते नीला पहनो, तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालदेन आपसे करते हैं, आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए, वो कहता है कि अपने वालदेन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुबहाना व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालदेन से मोहब्बत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों वालदेन अगर ज़ईफ़ हो जाते हैं, आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो, और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करो कि मेरे वालदेन को बरकत दे, और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालदेन की इज्जत करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहाना व तआला आपके वालदेन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन।